जिस माइक्रोफोन था यार ये तो लगा देना की बर्फ हेलो दोस्तों, ये हम आ गए हैं चोपता। तो अभी हम जा रहे हैं कैंप साइट। हम चले थे श्रीनगर से शाम के 3 बजे और हम जा रहे, देखो बर्फ़ कितनी पड़ी हुई है यहाँ पे, यह रास्ता, और इस रास्ते से जा रहे हैं। अभी जूते पूरे गीले हो गए, गाड़ी को धक्का मार के लेके आ रहे हैं हम। आ गए भाई, आ गए आ गए। यह दोस्त चुपता वैली कैंप, यह टेंट, और ये पड़ी है बर्फ, और यह अंदर से दिखाता हूँ आपको। ये देखो अंदर से, यह नाइट का भी चुपता के घर वाले से अंदर आग सेकते हुए गीले यार, ये इधर लटका दो ना इसे। आओ चल, आजा 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 खा ले आजा। ये कुत्तों के लिए आग सेकने के लिए रात को, हाँ बर्फ में रात को कुत्ते आग सेकेंगे। ये एक है, ये दूसरा है, ये एक है। दोस्तों गुड मॉर्निंग, हम आपको दिखाते हैं यहाँ से। ये देखिए व्यू आया, मजा। अभी हो रखे हैं मॉर्निंग के 7 और अभी मैं हूँ चोपता में। तो ये है चोपता वैली, तो यहाँ पे स्टे करा था आज रात को, कल रात, और आज है डेट आपकी 22 जैन। और ये देखते हैं सकता हूँ यहाँ से व्यू नज़ारा, देखिए ये है 2023 की पहली स्नोफॉल। और ये देखिए आप, हेलो देखिए, ये इतनी रात में, पूरी रात बर्फ़ में बाहर रहते हैं, ये ऐसी बर्फ़ में,
ऐसी बर्फ में पूरी रात बाहर को रहते हैं। देखिए यहाँ पे जितने सारे डॉग हैं, अब हम चढ़ रहे हैं चंद्रशिला, जा रहे हैं भला भी हम चंद्रशिला ऐसे ये हम जा रहे हैं चंद्रशिला। ये है हमारा बर्फ का ट्रैक, काफी बेहतरीन ट्रैक। अभी हमको बाइक स्टार्ट करने में लगेगा 1 घंटा, ठंडी पड़ गई होगी गाड़ी तो। और ये मैं हूँ, चलो जाओ जाओ लाला जाओ। ये हम जा रहे हैं अभी पूना चंद्रशिला की तरफ। अब यहाँ से रास्ता बंद हो गया है, अब हम जाए तो जाए कहाँ। ये देखिए गाइस, यहाँ पे बाइक चलो भाई, तो हम चौथा कर रहे हैं पैदल पूरा 5 किलोमीटर यहाँ से पैदल रोड बाय रोड, फिर उसके बाद तुंगनाथ मंदिर तक ट्रैक करेंगे। हेलो, ये देखिए मेरे पीछे से, अब देखिए मेरे पीछे से नज़ारा। यार हम पैदल चल रहे हैं अभी फिलहाल, अभी तो रोड बाय रोड ही 5 किलोमीटर बचा हुआ है, उसके बाद फिर खड़ी चढ़ाई 4 किलोमीटर मंदिर तक, और अगर चंद्रशिला तक पहुंच पाए तो फिर वहां से 2 किलोमीटर। देखो मेरे पीछे का नज़ारा, ये देखो कहाँ चल रहे हैं हम, चला भी नहीं जा रहा है बर्फ़ पे, ऐसा लग रहा है बर्फ़ की सिल्ली में चल रहा है, पैरों से फिसल रहे हैं। पूछो मत, तो गाड़ी तो भूल जाओ, जो बिना चैन लगे हुए गाड़ी तो भूल जाओ यहाँ चलाना। तो डिसीजन ले लिया कि गाड़ी नीचे खड़ी कर दी हमने और हम पैदल आ गए चौपता वैली कैम से, बलियागंज से। और अब आप देखो मेरे चार तरफ कैसा हो रखा है बर्फ़ से, ये देखो आप, ये देखो ये देखो दोस्तों कितना खतरनाक माहौल हो रखा है अभी मेरी चारों तरफ। ये देखिए अभी इधर जाने में पैदल ऊपर, यहाँ से शॉर्टकट रास्ता ढूंढ निकाला फिलहाल, रोड बाय रोड तो नहीं जा सकते, तो शॉर्टकट चढ़ना है अभी बर्फ़ में। यह बस हम चोपता तुंगनाथ का ट्रैक जहाँ से पैदल शुरू होता है वहाँ से 4 किलोमीटर नीचे, और हम अप्रॉक्स 5 किलोमीटर नीचे से पैदल चलते हुए आ रहे हैं क्योंकि बर्फ़ बहुत ज़्यादा है और गाड़ी चल नहीं पा रही, तो देख सकते हो यहाँ की हालत अभी फ़िलहाल। और ये 2023 की पहली बर्फ़ है चोपता में जो गिरी है फिलहाल, अभी पहली बर्फ़ इतनी गिर गई है, जो कि अभी बर्फ़ गिरनी बाकी है 25, 26, 27, 3 दिन तक लगातार बता रखी है। तो ये देखो
दोस्तों, हम कितना भयंकर पैदल ट्रैक कर रहे हैं और यह है रास्ता हमारा शॉर्टकट। और ये देखिए हम कौन से रास्ते से आ रहे हैं। देखो, दिख रहा है आपको कहीं रास्ता? ये देखो हमारा पैदल रास्ता, मेरे पीछे का नज़ारा पूरा बर्फ ही बर्फ। इस रास्ते में हम पैदल ट्रैक कर रहे हैं 8 किलोमीटर तुंगनाथ। चंद्रशिला तो छोड़ दो अभी। ये देखिए गाइस, कहाँ आ गए हैं। इकलौता ट्रैकर हूँ मैं अभी फिलहाल इसमें चलने वाला। मैंने गलती करी, मास्क भी नहीं लाया, मास्क नहीं पहना, सीधे निगाह गुजरे नहा पे। और ये देखो भाई, व्यू देखो यहाँ से, आप मज़ा आ जाएगा। एक बार ऐसा व्यू देखिए, क्या खूबसूरत व्यू है। ये देखें चारों तरफ, ये देखिए, बेहतरीन एक्सपीरियंस। ये मेरा इतनी बर्फ में दूसरा ट्रैक है तुंगनाथ का। पिछली बार 2022 में हमारा था, 2023 में, और ये 2023 की पहली बर्फ है, बस स्नोफॉल है। तो देखिए बस स्नोफॉल कितना ज़्यादा हुआ है। और अभी आपको 25, 26, 27 तीन दिन लगातार स्नो बता रखे यहाँ पे। तो उसके बाद तो दोस्तों कुछ टाइम तक शायद ही यहाँ आने लायक होगा या फिर चलने लायक होगा, क्योंकि जब पहली बर्फ एक दिन की बर्फ़ है, एक दिन में इतनी बर्फ़ पड़ गई तो आप सोच लो कि अगर 3 दिन लगातार बर्फ़ पड़ी तो क्या होगा यहाँ पे। ये देखिए मेरे पीछे से, हेलो दोस्तों, हर महादेव, तुमने बहुत अच्छा शॉर्टकट मान लिया। जो हमारा 2 किलोमीटर में हो गया, 6 किलोमीटर का ट्रैक शॉर्ट बिना गाड़ी के पैदल, और हम पहुंच चुके हैं तप्ता, जहाँ से प्रॉपर पैदल मार्ग शुरू होता है। तो ये देखिए, ये है शॉर्ट मार्ग, यहाँ से हमने शॉर्ट मारा पीछे। और आप ये देखिए, यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं अब पैदल। और बर्फ भाई साहब इतनी खतरनाक छिलपी हो रही है कि बहुत सवारी पे चलना पड़ रहा है। तो अब हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर से, यहाँ पर हम करेंगे चोपता का पैदल ट्रैक। आप देख लो यहाँ जो है पैदल ट्रैक, ये देखिए रास्ता जो है बर्फ दिखी गई है। पैदल मार्ग यहाँ से बॉस, महादेव अभी हम पहुंचे हैं चंद्रशिला चौका। यहाँ से हमने पैदल मार्च शुरू करना है, तो आपको यहाँ पर तक बढ़िया कौन से गाड़ियाँ यहाँ पर आ नहीं पा रही हैं। तो
अपनी प्राइवेट गाड़ी से नहीं आ रहे हैं, 4x4 को छोड़ के तो टैक्सी में आना पड़ा। टैक्सी का किराया बहुत ज़्यादा ले रहे हैं ये। तो रास्ता है यहाँ से देखिए, आप यहाँ से आगे आप मंडल होते हुए रुद्रनाथ जा सकते हैं। ये रास्ता जो पड़ता है ये वाला रुद्रनाथ चौपड़ा। तो देखिए हम यहाँ से ट्रैक शुरू करेंगे, अब ये मंदिर का ट्रैक शुरू करेंगे अभी यहाँ पर से। ये देखिए चौपड़ा चारों तरफ से कैसे अभी हमारा शुरू हो गया का ट्रैक। अगर जाने देते हैं तो भी जाने तो दे नहीं रहे शायद, पर देखते हैं इलाहाबाद थोड़ा सा आगे तक जाने देंगे तो थोड़ा आगे तक होके आएंगे। फाइनली तुंगनाथ की ओर चढ़ाई कर रहा हूँ अभी फिलहाल। तो आप देखो अकेला जा रहा हूँ, कोई नहीं है रास्ते में, तो देखता हूँ कहाँ तक जा सकता हूँ क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है और अभी वापस श्रीनगर भी जाना है। तो और चलना बहुत टफ हो रहा है यहाँ पे, तो फिलहाल सोच रहा हूँ कि आगे एक बुग्याल है खुला सा है थोड़ा, वहाँ पे तक जाऊँ फिर वहाँ से वापस आ जाऊँगा। ये देखो यार बर्फ पड़ी है, देख लो आप पूरे रास्ते में चलने वाला मैं अकेला ही हूँ। ये देखिए दोस्तों पूरा भरा है और कोई भी नहीं है, अकेले हूँ मैं।
ये देखिए स्नो 2023 की पहली स्नो चोप तागी। देखो भाई अपने 1000 रुपये बचा लो भाई, कोई फायदा नहीं जाके। ये देखो अपनी धन्नो यहाँ तक पहुँच गई, फिर भी उपता तक हमारे साथ फन हो गया, फन फुल चोपता एक्सपीरियंस हो गया है। ये देखो बर्फ, बर्फ की चादर। ये देखो ये पहली बार आ रहे हैं चोपता और इनने भी पूरा फन ले लिया, पूरा फन एंजॉय करा है इन्होंने। ये देखो रोड, तो गलती से भी बाइक से आने की मत सोचना कभी भी, नहीं तो रोते रहोगे। ऊपर से पंचर पुंचर और हो गई, फिर तो कुछ नहीं हो सकता। ये तो कंटेंट है। भाई का